सभी का स्वागत है। पाकिस्तान की लगाए झूठे आरोप का इस अधिकारी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के राजनयिक विमर्श आर्यन ने कहा, अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का अस्थाई प्रावधान था। इसमें बदलाव करना भारत का आंतरिक मामला और अधिकार है। पाकिस्तान को इस मामले में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जिनेवा में पाकिस्तान की इस तरह हुई अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। जिनेवा में कश्मीर चिल्ला रहे पाकिस्तान की तब अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो गई जब उनके ही देश के लोगों ने कार्यक्रम स्थल के बाहर पाकिस्तान को इस मामले में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा, ओला उबर के कारण ऑटो सेक्टर में मंदी, देश की आर्थिक स्थिति डामडोल है, ऑटो सेक्टर मंदी की मार झेल रहा है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया कि ओला उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज का असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बढ़ा रहा है। निर्मला सीतारमण के इस बयान का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी को झटका, भाजपा में शामिल हो गए दो नेता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में नेताओं के पल बदलने की खबरें सुर्खियों में है। आज कांग्रेस और एनसीपी के दो मुख्य नेता बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल और नवी मुंबई के कद्दावर और एनसीपी नेता गणेश नाइक बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।